सो यू व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग फाइनली बात करेंगे ऑटो हेडशॉट न्यू सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में एंड ऑटो हेडशॉट फायर बटन साइज के बारे में। और गाइस यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे बंदे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई एक नया सेंसिटिविटी सेटिंग का वीडियो लेकर आओ, जिसकी मदद से हम लोग भी काफी इजिली हर एक गन से ड्रैग हेडशॉट या फिर वन टैप हेडशॉट ले सकूं। तो गाइस उसके लिए मैं फाइनली लेकर आ चुका हूं। और गाइस आज जो वीडियो होने वाले है ये सच में काफी कमाल की होने वाले है। तो गाइस आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना मत भूलना। तो गाइस चलो बिना किसी देर के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले ही बात करते हैं सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। और गाइस आज जो सेंसिटिविटी सेटिंग मैं आपको देने वाला हूँ ये हर एक डिवाइस में काम करेगा, ऐसा ही सेंसिटिविटी सेटिंग मैं आपको देने वाला हूँ। उसके साथ साथ गाइस आप किसी भी गन से काफी इजीली ड्रैग हेडशॉट या फिर वन टैप हेडशॉट ले सकते हो। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जनरल सेंसिटिविटी जो है उसको गाइस आपको 100 पे सेट करके रखना है। जनरल सेंसिटिविटी को आपको 100 पे सेट करके रखना है। और गाइस उसके नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा रेड डॉट सेंसिटिविटी, यहाँ पर गाइस आपको रेड डॉट सेंसिटिविटी को 83 पर सेट करना है। यहाँ पर गाइस आपको रेड डॉट सेंसिटिविटी को 83 पर सेट करना है। और गाइस उसके नीचे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं 2x स्कोप, और गाइस 2x को आपको क्या करना है 60 पास सेट कर देना है। यहाँ पर गाइस आपको 2x को 60 पास सेट करना है। उसके ठीक नीचे गाइस आपको देखने के लिए मिल जाएगा 4x स्कोप, यहाँ पर गाइस आपको 4x को क्या करना है 100 पर सेट करके रखना है। यहाँ पर गाइस आपको 4x को 100 पे सेट करना है। और गाइस उसके ठीक नीचे हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं स्नाइपर स्कोप, और गाइस स्नाइपर स्कोप को आपको क्या करना है 75 पर सेट कर देना है। यहाँ पर गाइस आपको स्नाइपिंग जो स्कोप है उसका सेंसिटिविटी आपको 75 पर सेट करना है। और गाइस उसके ठीक नीचे हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है फ्री लुक सेंसिटिविटी। और गाइस यहाँ पर फ्री लुक का तो बहुत सारे बंदा यूज ही नहीं करता है, अगर आप यूज नहीं करते हो तो जरूर से जरूर यूज करना, उसकी मदद से आप काफी इजीली बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। अगर आप वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस उसका सेंसिटिविटी आपको रखना है 70 पर। यहाँ पर गाइस आपका फ्री लुक का सेंसिटिविटी होना चाहिए 70, बस आपको इतना सही करना है सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर। और गाइस ये सेंसिटिविटी सेटिंग अगर आप अपने डिवाइस के अंदर अप्लाई करोगे, एक से दो गेम खेलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंसिटिविटी कितना ज़्यादा अच्छा काम करता है, और गाइस ये सेंसिटिविटी कितना परसेंट काम कर रहा है आपके डिवाइस के अंदर, ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके साथ साथ गाइस बात करते हैं फायर बटन साइज के बारे में। और गाइस यहाँ पर बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि फायर बटन साइज को बिल्कुल ही छोटा रख देंगे तो ज़्यादा हेडशॉट लगेगा, और गाइस ये होता है आप लोगों की सबसे बड़ा गलती, क्योंकि गाइस यहाँ पर फायर बटन को अगर आप ज़्यादा छोटा कर देते हो तो गाइस उसमें आपका रिकॉइल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। आपको कभी भी बिल्कुल ही छोटा भी नहीं करना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, उससे गाइस आपका हेडशॉट क्या बॉडी शॉट भी सही से नहीं लगेगा। उसके लिए गाइस आपको फायर बटन साइज में आपको दोनों देने वाला हूँ। यहाँ पर गाइस आपको दो फायर बटन साइज में आपको देता हूँ, आप अपने डिवाइस के अंदर ये दो फायर बटन साइज को जरूर से जरूर यूज़ करके देखना। यहाँ पर गाइस सबसे पहला फायर बटन साइज होने वाला है 40। यहाँ पर गाइस आपके डिवाइस के अंदर सबसे पहला फायर बटन साइज को अप्लाई करना है 40। और गाइस यहाँ पर 40 फायर बटन साइज को करने के बाद अगर आपके डिवाइस के अंदर कुछ अच्छा चीज़ नहीं दिख रहा है कि ज़्यादा हेडशॉट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो गाइस आपको नंबर 2 को फॉलो करना है 43। और गाइस ये दोनों फायर बटन साइज के अंदर ही आपके डिवाइस के अंदर एक ना एक फायर बटन साइज काम कर जाएगा। उसके लिए गाइस आपको दोनों फायर बटन साइज को ही अप्लाई करके देखना है कि कौन सा फायर बटन साइज आपके डिवाइस के अंदर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहला फायर बटन साइज को अप्लाई करना है 40, और गाइस दूसरा यूज़ करना है 43। बस आपको ये दो फायर बटन साइज को ही यूज़ करके देखना है एक एक करके, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके डिवाइस के अंदर कौन सा फायर बटन साइज सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहा है, और गाइस वही फायर बटन साइज को आपको रख लेना है। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ साथ गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटक से वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।